अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्षम स्टैटिक और आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार मंद पड़ती जा रही है और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,52,000 से कुछ ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, 3,158 लोगों की और मृत्यु हो गई है और पिछले 50 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो आज सबसे ज्यादा बेहतर स्थिति में देश नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें ठीक होने वालों की संख्या तो पिछले 24 घंटे में 2,38,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े, इससे आपको अवगत कराएंगे। साथ ही बात करेंगे मिल्खा सिंह की, जिनकी हालत अभी तो ठीक नहीं है, स्थिर है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन उनके घर वालों के आग्रह पर अस्पताल ने उनको छुट्टी दे दी है। हालांकि मिल्खा सिंह की पत्नी अभी भी आईसीयू में है, अस्पताल में भर्ती है। इसके अलावा आज की रिपोर्ट में बात करेंगे सेंट्रल विस्टा परियोजना की, जिसको हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट इसको पहले ही हरी झंडी दे चुका है, जो याचिका डाली गई थी वो किसी निजी हित से प्रेरित थी, जनहित याचिका नहीं थी। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और कहा है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना देश के लिए अहम है और बहुत जरूरी है। क्या कहा है अदालत ने, भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के ताजा आंकड़ों की। भारत में 50 दिन बाद कोविड-19 के सबसे कम यानी 1,52,734 नए मामले सामने आए और देश में संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,80,47,534 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी कम होकर 20,26,092 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 3,128 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,29,100 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में लगातार 18वें दिन संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या नए मामलों से अधिक रही। देश में अभी तक 2,56,92,342 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जिनमें से 2,38,022 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक हुए। मंत्रालय ने बताया कि नमूनों के संक्रमित पाए जाने की दैनिक दर अब 9.7% है, जो लगातार 7 दिन से 10% से कम पर बनी हुई है। वहीं संक्रमण की साप्ताहिक दर भी कम होकर 9.4% हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में सोमवार सुबह 7 बजे तक 21,31,54,129 लोगों को कोविड-19 रोधी टीके लग चुके थे। मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से जिन 3,128 लोगों की मौत हुई, उनमें से महाराष्ट्र के 814, तमिलनाडु के 493, कर्नाटक के 381, केरल के 186, पश्चिम बंगाल के 142, उत्तर प्रदेश के 138 और पंजाब के 127 लोग शामिल थे। उधर कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद एक अस्पताल में भर्ती दिग्गज धावक मिल्खा सिंह को ऑक्सीजन सपोर्ट पर होने के बाद भी रविवार को स्थिर हालत में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। भारत के 91 साल के इस पूर्व महान खिलाड़ी को परिवार के अनुरोध पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 82 साल की उनकी पत्नी निर्मल कौर को शनिवार रात को ऑक्सीजन की बढ़ती जरूरत के चलते आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से जारी जानकारी के मुताबिक कोविड-19 से जूझ रही उनकी पत्नी निर्मल कौर को शनिवार को ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ने के बाद आईसीयू में ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। अस्पताल ने बताया परिवार के अनुरोध पर मिल्खा सिंह को आज स्थिर स्थिति में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, वह ऑक्सीजन और पोषण संबंधी सपोर्ट पर हैं। भारतीय वॉलीबॉल टीम के पूर्व कप्तान निर्मल कौर के बारे में अस्पताल ने बताया, मिल्खा सिंह की पत्नी को ऑक्सीजन की बढ़ती जरूरत के चलते बीती रात आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था, उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। अस्पताल ने पहले बताया था कि दोनों का कोविड-19 निमोनिया का इलाज चल रहा है। पिछले बुधवार यानी 19 मई को कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को सोमवार 24 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके 2 दिनों बाद उनकी पत्नी को भी कोविड-19 जांच में पॉजिटिव आने के बाद उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दंपति के बेटे और मशहूर गोल्फर जीव मिल्खा सिंह पिछले शनिवार को दुबई से चंडीगढ़ आ गए थे, जबकि अमेरिका में डॉक्टर उनकी बड़ी बहन मोना मिल्खा सिंह भी कुछ दिन पहले यहां पहुंच चुकी हैं। मिल्खा सिंह के परिवार के जब सभी सदस्यों का वायरस के लिए परीक्षण किया गया था तो निर्मल कौर नेगेटिव आई थी,
मिल्खा सिंह के नौकर भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और आशंका है कि यह दंपति उनके संपर्क में आने से कोविड 19 पॉजिटिव हो गया। एशियाई खेलों के 4 बार के स्वर्ण पदक और राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन मिल्खा सिंह 1960 में रोम ओलंपिक में 400 मीटर के फाइनल में मामूली अंतर से कांस्य पदक से चूक गए थे। दूसरी ओर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य को जारी रखने की सोमवार को अनुमति देते हुए कहा कि यह एक आवश्यक और अहम राष्ट्रीय परियोजना है। अदालत ने किसी मकसद से प्रेरित याचिका के लिए याचिकाकर्ताओं पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय इस परियोजना को पहले ही वैध ठहरा चुका है। उसने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी इसे जारी रखने की अनुमति दी है। कर्मी पहले से ही स्थल पर मौजूद हैं और इसलिए हमें काम रोकने का कोई कारण नजर नहीं आता। मुख्य न्यायाधीश टीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान परियोजना रोके जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका किसी मकसद से प्रेरित थी और वास्तविक जनहित याचिका नहीं थी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप को दिए गए ठेके के तहत काम नवंबर 2021 तक पूरा किया जाना है और इसीलिए इसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। परियोजना रोके जाने की मांग करते हुए यह याचिका अनुवादक अन्य मल्होत्रा और इतिहासकार और वृत्तचित्र फिल्मकार सोहेल हाशमी ने दायर की थी। याचिका में दलील दी गई थी कि यह परियोजना आवश्यक गतिविधि नहीं है और इसीलिए महामारी के दौरान अभी इसे टाला जा सकता है। परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और एक नए आवासीय परिसर के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के साथ साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालयों के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण होना है।